रांची वाले भैर को अलग आदेश वाले को आदेश आदेश आज बहुत उच्च कोटि की साधना दे रहा हूं और ये साधना उनके लिए है जो अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान है हर शत्रुनाशक साधना की तरह इस साधना का भी नियम यही है कि अगर शत्रु आपके मन में है तो ये साधना काम नहीं करेगा लेकिन अगर शत्रु ने वाकई आपकी हानि की है तो फिर ये साधना काम करेगा अगर आप ये सोच करके किसी पे चलाओगे कि वो आपका कॉम्पिटिटर है और उसका नाश हो जाए तो ऐसा, ऐसा साधना से सा नहीं होगा उल्टा जो थ्री फोल्ड बैकफायर होता है मतलब आपके जीवन पर असर होता है वैसा असर होगा तो इस साधना को जो भी करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे काल भैरव महाराज की साधना है हमारे ईष्ट हैं तो मेरे लिए तो बहुत प्यारा साधना है मैंने इसका असर देखा है भले ही किसी की हानि करके नहीं लेकिन इस मंत्र को उपयोग करके मैंने देखा है क्या क्या चाहिए होगा आपको इस साधना के लिए देखो ये साधना आप लोगों को 26 दिन करनी है ठीक है 26 दिन जो भैरव महाराज का यंत्र है उसको रोली से बनाएंगे कैसे यंत्र बनाते हैं तो त्रिभुज बनाते हैं बीच में ओम ब्रह्म स्वाहा और तीव्र करना है तो ओम ब्रह्म फट इस मंत्र को लिखते हैं ठीक है जो त्रिभुज का सामने वाला कोना होता है उस पर आप उरद डालते हैं पीले सरसों में भुना हुआ जो आपके बाम भाग में पड़ेगा उस कोने पे आप डालिएगा उरद तला हुआ दही गुड़ और मछली और कारण और जो आपके बाएं भाग की तरफ जो त्रिभुज पड़ेगा उस पर आप डालिएगा दही और गुड़ ठीक है ऐसे हर रात्रि में आपको भैरव जी का यंत्र बनाना है और साधना होने के बाद उसको पोछ देना है भैरव जी को छब्बीस दिन नवेद में क्या क्या चढ़ेगा आप नवेद में अलग अलग वस्तु चढ़ा सकते हैं जैसे कि भुना हुआ पापड़ भुनी हुई मछली छोटी वाली जो होती है दही वड़े आप है। आ, बड़े आप चढ़ा सकते हैं बड़े पकोड़ा चढ़ा सकते हैं जिसको बड़ा भी कहते हैं अलग से उसको चढ़ा सकते हैं खिचड़ी चढ़ा सकते हैं मिठाई चढ़ा सकते हैं गुड़ चढ़ा सकते हैं और खीर चढ़ा सकते हैं गुड़ गुड़ वाला खीर तो 26 दिन अलग अलग भोग चढ़ाएंगे ठीक है बाबा को गूगल का धूप दिया जाता है और जो दीपक होता है बाबा का वो हमेशा चमेली के तेल का होता है तो इतनी तैयारियां रोज़ की रहेंगी एक काला कपड़ा रखेंगे जो रोज़ यंत्र बनाएंगे तो यंत्र को जैसे किसी चीज़ चीज को ढका जाता है जिससे कि आपको वो दिखे यंत्र बाकी किसी को ना दिखे वैसे उस काले कपड़े से यंत्र को ढकेंगे इतना करने के बाद हर सात दिन में आप उसका हवन करेंगे ठीक है हवन में क्या सामग्री लगेगी हवन में आपको सामग्री लगेगी लौंग और गूगल ठीक है इसके अलावा किसी भी लकड़ी पर आप इसका हवन कर सकते हैं हर सात दिन में करेंगे और अंतिम दिन पूर्णा होती करेंगे जो सात दिन में हवन करेंगे उसमें भैरव रोट डालेंगे जो कि पांच आटा और गुड़ को मिलाकर बनता है और उसके साथ तीन बार ओम श्रीम फट स्वाहा बोल करके कारण का धार देंगे भैरव रोड हर सात दिन में जब आप देंगे तो पांच रोड देंगे और जब छब्बीस दिन के जाप के बाद सत्ताईसवें दिन जब आप भैरव जी का हवन करेंगे तो उस दिन आप इक्कीस रोड देंगे ठीक है यहाँ तक सब आ, समझ में आ गया आप लोगों को अब आप लोगों को मैं मंत्र विधान बताता हूँ इसमें जिस दिन आप बैठेंगे जैसे आप बैठेंगे तो हाथ में जल लेंगे ठीक है और संकल्प करेंगे कि मैं अपने इस शत्रु या इस बैरी के नाश के लिए ये 26 दिन का विधान करने जा रहा हूं ठीक है उसके बाद जल लेके के विनियोग करेंगे विनियोग का क्या मंत्र है ओम अस्य श्री महाकाल भैरव मंत्र विराट छंद श्री महाकाल देवता हुम बीजम शक्ति स्वाहा कील कम श्री महाकाल भैरव प्रीत्यर्थे जपे विनयोग ऐसा बोल करके आप जल को गिरा देंगे ह्रिम मंत्र से न्यास करेंगे ठीक है फिर हृदय में भैरव जी का ध्यान करेंगे कैसे ध्यान करेंगे हृदय में भैरव जी को देखेंगे एक हाथ में दंड एक हाथ में पाश एक हाथ में ब्रह्मा जी का मुंड और नीचे वाले हाथ में खप्पर रहेगा बाबा के हाथ में डमरू जिसमें कि घुंघरू लगा हुआ है और साथ में बाबा का स्वान इस रूप में आप बाबा की कल्पना करेंगे और उसके बाद मंत्र बोलेंगे बाबा को मन में प्रणाम करेंगे कोटि काला नला भासम चतुर्भुजम त्रिलोचनम अष्टक मध्यस्थम मुंडाष्टक विभूतिम ठीक है इस मंत्र से बाबा को प्रणाम करेंगे जो मूल मंत्र है उसका आप हर रोज एक हजार जाप करेंगे छब्बीस दिनों तक मंत्र क्या है ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाये कालाग्नि तेज से अमुख मतलब यहां पर अपने शत्रु का नाम लेंगे मे शत्रु मारिया मारिया पोथया पोथया हुम फट स्वाहा फिर से मंत्र सुनिए ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाये कालाग्नि तेजसे अमुकम में शत्रु मार्य मार्य पोथिया पोथिया फट स्वाहा इसमें दो तीन विषय है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं मुझे नहीं लगता कि हर बार बताना चाहिए लेकिन फिर भी अगर कोई नए साधक जुड़े हैं तो उनको बता दे रहा हूं काल भैरव जी की साधना घर पे नहीं होती है ये मैंने बहुत बार क्लियर किया है घर पर जब आप साधना करते हैं तो आप भट्टुक भैरव स्वरूप में साधना करते हैं खास करके जब यंत्र पूजा होती है तो वह बिल्कुल घर पे नहीं हो सकती तो कहाँ कहाँ पर आप इस साधना को कर सकते हैं आप इस साधना को रात्रि के बेला में किसी सुनसान स्थान पर कर सकते हैं स्मशान घाट में कर सकते हैं किसी भैरव मंदिर में कर सकते हैं किसी अशोक वृक्ष के नीचे कर सकते हैं कोई ऐसा स्थान जहाँ पर दो पगडिंडियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों लेकिन वहाँ मनुष्य आते जाते ना हो ऐसे स्थान पर आप इस साधना को कर सकते हैं इस साधना में एक चीज ध्यान रखने के लिए होता है जब भी आप कोई ऐसा साधना करते हैं जो कि सठ कर्मों में होता है तो इसमें एक चीज और ये ध्यान रखना होता है कि कोई आपको ये साधना करते हुए ना देखे इसको कहने का अर्थ यह होता है कि आप जिस जगह पर साधना कर रहे हैं वहाँ कोई भी आसपास में दूसरी साधना नहीं चलनी चाहिए अगर दो साधनाएं एक साथ चल रही हैं, तो दोनों में से किसी का फल नहीं मिलता है ठीक है बहुत भैरव को प्रसन्न करना है तो जो मैंने हवन सामग्री बताई है उसी हम हवन सामग्री में आप छोटी वाली जो मछली होती है उससे 108 सौ आहूति दे सकते हैं ठीक है ये सारी है वो है जिससे काल भैरव प्रसन्न होते हैं और आपका काम वो अगर प्रसन्न हुए और जेनविन काम रहा तो वो कर देते हैं आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आसन बंधन दिशा बंधन और गुरु मंत्र से पहले जो भी एक अघोर साधक को जाना चाहिए वो सारे विषयों को बताया जाता है नंबर है नाइन फोर थ्री एट एट वन एट फाइव जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है वो तो नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव पर मैसेज भी कर सकते हैं बहुत अर्जेंट होने पे या डब्लू डब्लू डब्ल्यू अग्वर दराशी डॉट कॉम पर मुझे अपॉइंमेंट ले सकते मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उसमें सर्च करिए गा डी एम अभी बहुत सारे लड़की के टाइटी भी आ गया है इसलिए ग्रा डी एम पर आप सर्च करेंगे तो मेरी आई डी मिलेगी डॉल्य आज के लिए नहीं महाकाल वगैरह आप सभी को सुरक्षित रखें ऐसी मेरी प्रार्थना है और आप सभी करनाट रखें शत्रु नाम ऐसे भी मेरे हम सभी आदेश आदेश अलग आदेश